अग्नि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये अग्नि है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। तो सोची, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए, कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। सूर्य की अग्नि बहकर छन कर हम तक आती है और इसलिए वो तेज कहलाती। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे।